नमस्कार। कुंभ राशि के विषय में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण राशि है और पिछले 2.5 वर्षों से शनि की 7.5 का प्रकोप प्रताड़ना झेल रही है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि को राहत देने वाले ग्रह आ रहे हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव होंगे। बड़े धैर्य से आप सुने और इसको स्किप ना करें और आपको हल और समाधान बताऊंगा। तारीख वाइज बताऊंगा किस तारीख को क्या होने वाला है कुंभ राशि पर। देखिए, कुंभ राशि पर इस समय हानि का समय चल रहा है, नुकसान का समय चल रहा है। आपके जेब से या घर से चोरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, या किसी इष्ट मित्र को आप पैसे देंगे तो वो वापस नहीं करेगा। बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन पिछले 2.5 ईयर से 2.5 साल से आपकी जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी खरीदने का योग चल रहा था, लेकिन इसमें बीच बीच में आपको बहुत परेशानियां भी आई हैं और भविष्य में आएंगी। 17 जनवरी तक बहुत सोच समझ करके खर्च करें। एक नई चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सन 1990 में मंगल और शनि का षडाष्टक युग रहा 8 महीने तक। ऐसा ही कुछ कुछ योग अब आने वाला है। 13 नवंबर को मंगल वृष राशि में आएंगे, जो कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में होंगे। कुंभ राशि वालों के घर में अशांति, तनाव, पुलिस केस भी हो सकता है। पुलिस के कोई भी मुकदमे आपके सिर पर पड़ सकता है, इसलिए अपने इष्ट मित्रों से, परिचितों से ना झगड़ें, किसी का गारंटर ना बने और किसी का बीच में कोई हस्ताक्षर ना करें, किसी को पैसा ना दिलवाएं किसी से। कुंभ राशि वालों के लिए माता को कष्ट, आपके अगर पशु हैं तो उसको कष्ट, आपकी स्त्री, आपकी पत्नी को कोई चोट, बीमारी, ऑपरेशन होने की संभावना बन सकती है 13 नवंबर से और 12 मार्च तक। मंगल वृष राशि में ही रहेंगे, अर्थात वृष राशि के लिए भी अच्छा नहीं है ये, खुद के लिए भी। तुला राशि के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि तुला राशि के अष्टम भाव में जब मंगल होगा तो उनको चक्कर आना, बीमारी, कष्ट, दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानियां, उतार चढ़ाव रहेंगे। कुंभ राशि विशेष रूप से 7.5 झेल रही है, पीड़ित राशि है, लेकिन बीच बीच में दो चीज बहुत अच्छी भी है। आप सुनिए ध्यान से। आपके पराक्रम स्थान में राहु चल रहा है, त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम। जो मंगल जैसे क्रूर पाप ग्रह, सूर्य कष्टकारक, इनका सबका दंश झेल सकता है। राहु अकेला आपके पराक्रम स्थान में, जो आपको बहुत राहत देगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा, सम्मान देगा। और दूसरा है बृहस्पति धन और कुटुंब और वाणी स्थान में बैठे हैं, आपकी वाणी को सौम्य बनाएगा। आधे काम आपके अच्छे, सुंदर और मीठा बोलने से ही काम हो जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए धन संबंधी समस्याएं नहीं आएंगी। चोरी और नुकसान होना वो अलग मैटर हो गया। कुंभ राशि वाले थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते, वजन बढ़ता है शनि की महादशा में, खास तौर से जल के प्रेमी होते हैं। सीता जी की भी कुंभ राशि थी, घड़े से उत्पन्न हुई थी, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो घड़ा जो है, घड़े में जल रहता है, जल तत्व राशि होगी कुंभ। तो ऐसे व्यक्ति पानी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कफ एंड कोल्ड, साइनोसाइटिस, नाक में एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, अक्सर सिट्राजिन या एंटी एलर्जिक कोई ना कोई गोली खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि छठे स्थान का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा डस्ट से एलर्जी देता, धूल से, धुआं, या एसी में बैठ गए आप तो आपको छींक आएंगी, कई सारी छींक एकदम आएंगी। तो कुंभ राशि वालों को प्रिवेंशन रखना चाहिए, रोकथाम करें अपने रोगों की और
अशांत मन होता है इनका, इमोशनल होते हैं, छोटी सी बात अगर किसी ने कह दी तो बेचैन हो जाते हैं, इनका मन चलायमान, अस्थिर। तो धैर्य से काम करने का समय है। जब 17 जनवरी को आपकी 7.5 का बैड जो फेस है, जो आपका बुरा समय खत्म हो रहा है, तो तब तक आप शांति से रहें, समझदारी से रहें, चौकन्ने रहें, पैसे को रोक कर रखें, दुरुपयोग ना करें। उसके बाद मूल त्रिकोण राशि है कुंभ शनि की। शनि आएंगे तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी लोगों में पैठ अच्छी होगी, लोग सम्मान देंगे। और जिस प्रकार से अब लोग आपको अवॉइड करते हैं, उसके बाद अब अवॉइड नहीं करेंगे। बृहस्पति भी अच्छा आएगा तीसरे स्थान में, लाभ भी होगा आपको, कई प्रकार के सुख साधन, मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, सब कुछ प्राप्त होगा। तो आप तब जब तक 7.5 का बुरा इफेक्ट है, बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करिए, और तिल और काले उड़द इससे हवन कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और बीज मंत्र होता है शनि का, इसको बोलते हैं तांत्रिक मंत्र, ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनये नमः। ऐसा करने से शनि का जो बहुत बड़ा प्रकोप है, आपको कोई जेल यात्रा की तैयारी हो रही है तो भी उसको जेल के योग को टाल सकता है, झगड़े मुकदमे परेशानियों को सब को समाप्त करेगा। तो आप धैर्य बनाए रखें, मनोबल बनाए रखें, याद रखें आपकी किस्मत को कोई छीन नहीं सकता, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और रहेगी। मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी कुंभ राशि वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और शुभ भावनाओं के साथ आपको सभी को प्रणाम करते हुए, इस आशय से कि आप सब अपना ख्याल रखें और समझदारी से चलेंगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद। नमस्कार।